अरे साइलेंट रहो रे। भारतीय बस के उम्मीदवार हैं शादाब उस्मानी साहब, सदर मंदिर से इत्तेहाद मुस्लिमीन भिवंडी शहर मास्टर साहब, रिजवान साहिब उबेरे साहब, मौलाना मोजीब रहमान साहब, हमजा सिद्दीकी साहब, एडवोकेट अमोल कामले साहब, सैफुद्दीन अंसारी साहब, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, मेरे मंजूसी रुका बुजुर्गान मिलत, नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में इसलिए खड़ा हूँ कि आपसे गुजारिश करने के लिए कि 21 अक्टूबर के दिन आप तमाम से मेरी पुरजोर अपील है कि आप अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब खालिद गुड्डू साहब के हक में अपना वोट देकर उनको कामयाब करिए। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार है। अरे हाँ, बाद में बजा लेना, ताली नीचे रह के बजा। दूसरी बात ये है कि किसी नागरूहानी वजूहत की बिना पर और किसी हद तक एक साजिश के तौर पर भी जनाब खालिद गुड्डू साहब को खत्म कर दिया, आधे घंटे में निशान नहीं मिला जो हम चाहते थे। मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि खालिद गुड्डू साहब का भिवंडी वेस्ट में बैठ का निशान है और इस निशान पर अपना बटन दबाकर आप मोहतरम जनाब खालिद गुड्डू साहब को कामयाब करें। तीसरी बात यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने हर जगह पर मेरी आपसे गुजारिश यह है कि भिवंडी शहर में दो सीटें हैं और ये दोनों सीट पर एक कसीर तादाद में यहाँ पर अकलियतों की, दलितों की, वंचित समाज की, मजलूम आवाम की एक तादाद बसती है भाई, एक जगह रहे। और मैं कई बरसों से भिवंडी को आ रहा हूँ और यहाँ की जो बल्दी सहूलतें हैं वो आवाम को मुहैया नहीं की जाती और अफसोस इस बात का है कि सारी दुनिया में भिवंडी शहर मशहूर है वो अपने पावर लूम की वजह से, और आज वो पावर लूम को बंद करने की एक मंसूबाबंद कोशिशें की जा रही है जिसका जिक्र अभी खालिद गुड्डू साहब ने किया कि एक पावर कंपनी है जिसका नाम टोरेंट है और वो पावर कंपनी नहीं बल्कि एक माफिया बन चुकी है और ये टोरेंट कंपनी कांग्रेस के, बीजेपी, शिवसेना के लोगों को सुना गया है कि हर हफ्ते के दिन इनको मिठाई का डब्बा पहुंचता है। मालूम हुआ कि टोरेंट कंपनी बिजली देने के बजाय ये तमाम दीगर सियासी पार्टी के जिम्मेदारों को मिठाई के डब्बे में किसी में गुलाब जामुन,
किसी में लड्डू होते हैं। मैं आज आपके इस जलसे से, इंतखाबी जलसे से आपसे वादा कर रहा हूं कि ये पावर कंपनी जो भिवंडी की आवाम के लिए एक अजाब बन चुकी है, यहाँ के कारोबार करने वालों को बर्बाद करने का एक तरीका बना चुकी है, मैं जिम्मेदारी से आपसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि अगर आप मुत्तहदा तौर पर मोहतरम जनाब खालिद गुड्डू साहब को यहाँ का एमएलए बनाकर महाराष्ट्र की विधानसभा में भिजाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये कारण कंपनी का पावर मैं खुद बंद करूंगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि खालिद गुड्डू को कामयाब करिए और खालिद गुड्डू साहब को मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आने की दावत दी। मैंने खालिद गुड्डू से कहा कि मेरे भाई कब तक तुम उन लोगों का साथ दोगे जिन्होंने हमारा खून चूसा, जिन्होंने हमसे इंसाफ नहीं किया। मैंने खालिद गुड्डू से कहा कि आओ और खयादत करो, लीडर बनो और एमएलए बनकर भिवंडी की जयूर आवाम की बेबाक आवाज महाराष्ट्र की विधानसभा में बनो। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप तमाम लोग मुत्तहदा लोग का इस्तेमाल करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पावर लूम के बारे में बताना जरूरी समझता हूं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार ने नोटबंदी को नाफिज किया, पावर लूम इंडस्ट्री बर्बादी के दहाने पर आ गई। नोटबंदी का असर आज भी छोटे कारोबार करने वालों को हो रहा है और जीएसटी के लागू करने के बाद एक और कारी जर पावर लूम इंडस्ट्री पर पड़ी। अब एक और पावर लूम इंडस्ट्री पर एक और अजाब आने वाला है। हमारी भारत की सरकार नरेंद्र मोदी की हुकूमत आरएसीपी ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रही है और अगर वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं तो चाइना का, बांग्लादेश का, वियतनाम का पॉलिएस्टर का फैब्रिक सस्ता हिंदुस्तान में डंप होगा। और याद रखिए, ना सिर्फ भिवंडी बल्कि मालेगांव, नासिक और तमिलनाडु की तमाम और उत्तर प्रदेश की ये तमाम पावर लूम इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी। मैं आपसे एक इजाजत चाहता हूं क्योंकि हजारों का मजमा आज के इस इंतखाबी जलसे में मौजूद है। मैं आपसे एक करारदार को आपके सामने एक रेजोल्यूशन को पेश करता हूं कि रेजोल्यूशन ये है कि हम भारत की हुकूमत से, नरेंद्र मोदी से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आरईसीपी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत की हुकूमत साइन करने जा रही है उसमें टेक्सटाइल को उससे मुस्तस्ना रखें, क्योंकि हमको हमारी पावर लूम की इंडस्ट्री को बचाना है। क्या आपको ये मंजूर है? अगर मंजूर है तो मैं नारा लगाऊंगा, आप उसका मंजूरी का नारे में जवाब दीजिए कि नारे तकबीर, नारे तकबीर। हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ के भिवंडी के गरीब आवाम की आवाज को सुनेंगे और जो आरईसीपी का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा उसमें टेक्सटाइल से इसको मुस्तस्ना रखेंगे। मुझे उम्मीद करना ही पड़ेगा कि भारत के प्रधानमंत्री सुनेंगे, मगर नहीं मालूम वह आजकल सुना गया कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की आवाज सुनते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके सामने जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि कल या परसों मिस्टर मोदी महाराष्ट्र के जलगांव में तकरीर कर रहे थे और तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया और उन्होंने चैलेंज किया कि दोबारा ट्रिपल तलाक के कानून को खत्म करके दिखाओ। हिंदुस्तान के वजीर आजम
जब आप चैलेंज पेश करते हैं तो हमको उस चैलेंज को कबूल करना पड़ता है, क्योंकि फर्जा बाकी रखना ये मेरी फितरत में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के वजीर आजम के महाराष्ट्र के मुस्लिम अकलियत का मसला सिर्फ ट्रिपल तलाक नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि मुसलमानों से और मुस्लिम महिलाओं से आपने इंसाफ किया तो ये आपकी गलत सोच है, ये आप झूठ कह रहे हैं। अगर आप मुसलमानों से मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के वजीर आजम, मैं महाराष्ट्र के मुस्लिम अकलियतों की तरफ से बहसियत लीडर नहीं बल्कि यकीनन उनके रहबर होने का दावा करते हुए आपसे मुतालबा करता हूँ, आपसे मुतालबा करता हूँ कि जब आप मराठों को रिजर्वेशन दिए तो मुसलमानों को क्यों नहीं दे सकते? अगर आरक्षण मराठों को मिल सकता है मिस्टर मोदी, तो फिर मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप सच्चे हैं, आप ही ने तो कहा था ना कि मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो ये कौन सा इंसाफ है कि विकास सिर्फ मराठों का होगा और विकास मुस्लिम अकलियत का नहीं होगा? आरक्षण महाराष्ट्र के मुसलमानों को मिलना उनका बुनियादी हक है। ये इंसाफ का मुतालबा है कि महाराष्ट्र के गरीब मुसलमानों को, उनमें जो 55 बिरादरियां हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि कितने मुस्लिम आईएएस ऑफिसर महाराष्ट्र में बताओ, कितने मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर महाराष्ट्र में है बताओ, कितने ग्रुप वन ऑफिसर मुस्लिम अकलियत के बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे ज्यादा किराए के घर में रहने वाले दलितों के बाद मुस्लिम अकलियत है, सबसे ज्यादा कच्चे घरों में जिंदगी गुजारने वाले दलितों आदिवासियों के बाद मुस्लिम अकलियत है, सबसे ज्यादा जिनके पास अगर किचन नहीं है तो वो मुसलमान है। बताओ फिर इतने सब डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स बैकवर्डनेस को प्रूव करते हैं, और हिंदुस्तान का संविधान जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर का वोट लेने से पहले उस बाबा साहिब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को उठाकर दुनिया के सामने अपनी आंखों को और मुंह से उसको चूमा। मिस्टर मोदी, अगर संविधान का पास हो लिहाज आपके पास है तो मैं और आपकी तरफ से मुतालबा करता हूं कि आप महाराष्ट्र के मुसलमानों को आरक्षण दो, उन लोगों को दो जिनकी 55 जात बरादरियों का जिक्र महमूदुर रहमान कमेटी में हुआ, मगर हमारे वजीर आजम क्या समझते हैं कि नहीं, मुसलमानों का मसला सिर्फ ट्रिपल तलाक का है। हमारा मसला ट्रिपल तलाक का नहीं। ये बीजेपी आरएसएस वाले बोलते ये मुसलमान बहुत शादियां करते, ये भी झूठ है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी एक करके परेशान है। अब जिसके पास नहीं है उनको तो हैप्पी हैप्पी है, उनको तो खाली बोलते रहे। जिसके पास है, जिसके घर में है, उनको मालूम जिम्मेदारी क्या है, जिम्मेदारी का एहसास है। अच्छा, ये जो बीजेपी के लोग बोलते क्या ये आरएसएस के खास तौर से लोग बोलते कि इनको और शादियां कर दे, अरे पापियों, तुमको एक मिसाल दे रहा हूं। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र बैंक का जो स्कैम हुआ अभी, एमपीसी बैंक का स्कैम हुआ ना, बैंक का एक, वो बैंक का एमडी, उसको इश्क हो गया अपने काम करने वाली के साथ, उनसे इश्क हो गया, तो उन्होंने क्या किया मालूम आपको? पूना को उसको भिजाए, तू जा पूना, माँ घर उसको बैंक के पैसों से फ्लैट दिलाए, 15 करोड़ का कुछ फ्लैट वैट दिलाए मोहतरमा को। वो मोहतरमा बोली कि फ्लैट से काम नहीं चलेगा मिस्टर, शादी करो। तो वो बैंक का एमडी
जो कई हजार करोड़ का गबन किया एमपीसी बैंक का, पीएमसी बैंक का, वो पूना जाकर मजहब बदल दिया, क्या किया, अपने आप को मुसलमान बन के बोला क्या जा तेरी दूसरी शादी करते। अब आप बताओ, हम नहीं करते, हम एक में ही खुश है, आप कर रहे हैं, और जो दो करा उन्हें टू नंबर का कारोबार भी करके बैंकुल डुबा दिया। अब बताओ कौन शादी कर रहा है, पूरा बैंक डुबा दिए, गरीब आवाम को कह रहे हैं कि सिर्फ 6,000 या 20,000 आप बोल रहे कुछ पैसे बढ़ा देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने ट्रिपल तलाक का कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं से नाइंसाफी की है, मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, इस कानून से उन पर और जुल्म होगा, और उन पर जुल्म होगा। आप मुझे बताओ कि कौन सा कलमन वो आदमी होगा कि जब अगर कोई एक गधा किस्म का इंसान अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देकर शादी खत्म करता है जो गुनाह है, कौन कोर्ट में आकर उस मासूम बच्ची के हक में कहेगा कि मैंने इस गधे को सुना ये बोलते हुए कि इसने 3 बार तलाक कहा। उस मासूम औरत का कौन साथ देगा। और ये अजीबोगरीब कानून बनाए कि अगर इस मुसलमान पर यह कानून लगता है और किसी गैर मुस्लिम पर लगता है तो अगर कोर्ट सजा देगा तो मुसलमान को 3 साल की सजा और गैर मुस्लिम को 1 साल की सजा। और हैरत अंगेज बात यह है कि अगर कोर्ट सजा देती है तब भी शादी नहीं टूटती। हजरत अल्लामा मौलाना फजीलतुल शेख हजरत मोदी का बना हुआ कानून के बीवी के कंप्लेन पर के शौहर ने ये कहा तब भी शादी नहीं टूटती, और अगर कोर्ट उसको जेल को भिजाती है 3 साल तक तो 3 साल तक शादी में बीवी निकाह में बरकरार, और जब वो जेल से निकलेगा तो मिस्टर मोदी ये उम्मीद करते हैं कि जब वो जेल से वो नाखलक गधा निकलेगा तो बीवी फूल का हार, बैंड बाजा, ऑर्केस्ट्रा और गाना ये चलेगा कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा गधा आया। 3 साल तक औरत महरूम रहेगी, क्यों रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि शादी टूटती क्यों नहीं, आप नहीं तोड़ना चाह रहे। इस मुल्क में कानून बनना चाहिए उन महिलाओं के लिए जिनका 2011 के सेंसस में जिक्र है कि 34 लाख हमारे भारत में ऐसी महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं मगर अपने शौहर के साथ दिल्ली में नहीं रहती। 34 लाख है। अब आप बताइए वो क्या करेंगी, उनके लिए कानून नहीं बनाना चाहते आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात यह है कि बीजेपी की जब से सरकार बनी उस वक्त से मोदी ये दावा कर रहे हैं कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज हमारे भारत में 35 साल के बाद इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो चुकी है, कितने 35 साल के बाद बेरोजगारी हुए, 6% से ऊपर अनइंप्लॉयमेंट का परसेंटेज चला गया, जीएसटी कारोबार को बर्बाद कर रही है, नोटबंदी कारोबारों को तबाह कर दिया और हमारा जीडीपी 5% हो गया। और आज जिस हिंदुस्तानी को बनर्जी को नोबेल प्राइज मिला वो कहता है कि हिंदुस्तान की इकॉनमी डुलडुल मुलमुल डुलडुल मुलमुल डुलडुल मुलमुल है। अब आप बताइए, अब आप बीजेपी और शिवसेना से पूछेंगे अरे भाई नौकरी कहाँ गई, तो मोदी बोलेंगे 370 नहीं निकाला मैं। आप पूछेंगे कारोबार बंद हो गया इंडिया पाकिस्तान, और कुछ पूछेंगे टेररिज्म, अरे असली मुद्दों पर तो बात करो ना, तुम असली मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते। और हमारे भारत का ये हाल इन्होंने कर दिया
पूरी इकोनॉमी बर्बादी के दहाने पर जा रही है। और ये लोग, इनका एक मंत्री क्या कहता है मालूम आपको, मुंबई को आए थे, भारत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुंबई को आकर कहा, किसी साहसी ने इनसे पूछा कि नौकरियां नहीं है, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, तो मरकजी वजीर आईएमबी ने कहा, झूठ कह रहे हैं, कहा कि 2 अक्टूबर के दिन 3 पिक्चर रिलीज हुई और एक ही दिन में 120 करोड़ का धंधा किया। अब आप इनकी काबिलियत देखिए, पिक्चर का धंधा देखकर कह रहे हैं कि कारोबार अच्छा है। अगर ये बात है तो मैं एक सवाल करना चाहूंगा बीजेपी वालों से, चिढ़ना नहीं, नाराज नहीं होना, पेट में दर्द होगा तुमको, मेरा मकसद एक ही है कि तुम्हारे पेट में और तुम्हारे दिमाग में दर्द हो, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दो कि नरेंद्र मोदी के नाम पे जो पिक्चर बनी थी पार्लियामेंट के इलेक्शन में, वो कितने पैसे कमाए? मालूम हुआ कि वो तो पिट गई, पिक्चर फ्लॉप हो गई, इसका कोई जिक्र ही नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग आकर हमसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म की तुम मुखालिफत कर रहे हो, तुम्हारी भाषण से फिरका परस्ती में इजाफा होता है, तुम वोट काटने का काम करते हो और तुम फुला फुला इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। मैं उन इल्जाम का जवाब देता रहा और देता रहूंगा। मैं आपको बताने आया हूं, भिवंडी की आवाम को बताने आया हूं, जहां पर दोनों असेंबली सीटें हैं, मैं आपको पैगाम देने आया हूं कि औरंगाबाद की गयूर आवाम ने मुत्तहिद होकर, एक होकर कांग्रेस को खत्म करके वहां से इम्तियाज जलील को अपना एमपी बनाकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजा, तो कोई मायूब बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि भिवंडी से खालिद भी कामयाब हो और रईस भी कामयाब हो, दोनों की कामयाबी मुमकिन है। जिस अगर हम एक एमपी की सीट पर कामयाबी हासिल करते हैं तो क्या 2 असेंबली की सीट नहीं जीत सकते हम लोग? ये आपको फैसला करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या तुम कामयाबी दिलाओगे मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, क्या आपकी सरपरस्ती हासिल होगी? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि अपने दिमाग, दिलो दिमाग से ये कांग्रेस की मोहब्बत को निकालो। अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है, अब कांग्रेस नहीं उठने वाली है, अब कांग्रेस टाइम टाइम फिट हो गई, अब कांग्रेस खत्म हो गई। और इसकी मिसाल दे रहा हूं कि अगर आप खालिद गुड्डू को वोट देंगे, आपका वोट उसकी कीमत होगी, उसकी आवाज होगी, और वो आवाज इन मजलूमों की एक आवाज बन के महाराष्ट्र के विधानसभा में गूंजेगी। कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी की कामयाबी होगी। बीजेपी शिवसेना को रोकना है तो खालिद गुड्डू को कामयाब करना पड़ेगा। और पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या हुआ था, पार्लियामेंट के इलेक्शन में, हाँ हिलना है बेटा, हिलना है, अब हिलना ही है, यहां से झूलना है, बहुत बहुत तुम ठहरे रहे, अब सबको हिला के रख दो इंशाल्लाह। वो तमाम रिश्तेदार के जालिमों के महले उनकी बुनियादों पर हिला के रख दो। इंकलाब को बर्पा करना है आपको जरूरी तरीके से। पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या हुआ, क्या आप तमाम ने मिलकर कांग्रेस को वोट नहीं दिया? मैंने शर्मा लोग को कुछ ने हाथ उठा के बोले, हाथ उठाओ टीचर, कुछ नहीं करके उठाओ, डरना नहीं। उसके बावजूद भी कैसा जीता बीजेपी का, कहां गया कांग्रेस का वोट? कांग्रेस का जो वोटर था वो मोदी को बोला कि मुझे राहुल नहीं पसंद, मुझे मोदी पसंद। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि नहीं यार, वो जिंदा रहना है, क्या करेंगे? अरे 70 साल से अगर हम जिंदा हैं तो क्या कांग्रेस की वजह से जिंदा है या अल्लाह के फजल करम से जिंदा है?
अगर 70 साल से हरारत कर रहे तो सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी कांग्रेसी का सदका नहीं है, किसी कांग्रेसी का मोहताज नहीं है। और याद रखो मेरे भाई, जिंदा रहना है तो हरकत करना पड़ेगा। जब जिंदा रहेंगे हरकत करेंगे तो हरकत में बरकत होगी, और अगर हरकत नहीं करोगे यही डरते रहोगे कि नहीं नहीं हमको क्या होगा, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे सामने अलग ऐलान कह रहा हूँ, लिख लो मेरी इस बात को कि वतन अजीज भारत में एक अंधेरी रात छा चुकी है, ये अंधेरी रात बड़ी लंबी होने वाली है। याद रखो मेरी बात को, याद रखो मैं तुमको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुमको जज्बात में मखलूब करके वोटों के बटरने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मेरी एक जिम्मेदारी है बहसियत एक सियासतदान के, अगर मैं तुम्हारे सामने सच को नहीं बयान करूंगा तो मैं अपनी बुनियादी ड्यूटी से उससे गलती कर रहा हूँ। ये रात लंबी है और अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। याद रखो अगर तुम कांग्रेस के बैसाखियों के सारे इस अंधेरी रात में अपना सफर तय करना चाहोगे तो ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। मुमकिन क्या है मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपने रिश्ते को अपने खालिद से मजबूत करो, अपने रिश्ते को अपने खालिद से मजबूत करो, अपने दिलो दिमाग में एतमाद को पैदा करो, अपने कुव्वत बाजू पर भरोसा रखो, अपनी आवाजों में वो हरारत पैदा करो। अब तुम बिल्लियों की तरह नहीं पुकारोगे, तुम अब शेर की तरह पुकारोगे, तुम अपने पेशानियों पर बल नहीं लाओगे, तुम अपने पेशानियों पर पसीने को नहीं टपकने दोगे, बल्कि तुम अपना सीना साथियों को आगे बढ़ाकर अपने पेशानियों के से बल लगाकर पूरे इत्तेहाद के साथ इस अंधेरी रात में इत्तेहाद की ताकत के कुव्वत पर उसके बलबूते पर अपना सफर करेंगे। और याद रखो कांग्रेस नहीं आ सकती आप, कांग्रेस नहीं आ सकती अब, मैं आपको कह रहा हूँ भूल जाओ, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अरे ये वो पार्टी है कि जब इनकी कश्ती डूब रही थी तो अगर समंदर में कश्ती डूबती है तो पहले कैप्टन सबको निकालता है। ये वाहिद पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसका कैप्टन पहले कूद के साहिल पे चला है। कौन है कांग्रेस का बताओ, कहां है कांग्रेस पार्टी? और मुझ पर इल्जाम लगाते कि मैं मुस्लिम फ़िरका परस्ती करता हूं, मुझ पर इल्जाम लगाते कि मैं भड़काऊ भाषण देकर नौजवानों को जज्बाती बनाता हूं। नहीं, ये झूठ है। मैं नौजवानों के दिलों में संविधान की एतमाद और उसकी मोहब्बत को पैदा करने का काम करता हूं। आप बताइए, ये कांग्रेसियों से पूछो जो खड़ा है, ये पूछो इसको, मुझे यकीन है कि मेरे दुश्मन सियासी दुश्मन किसी चूहे की बिल में बैठ कर एक शेर की आवाज सुन रहे हैं। तो सुनो मेरी बात, तुम्हारा लीडर अमेठी से क्यों हारा है? शौकत है बताएंगे, अमेठी से क्यों हारे? और तुम कैसा जीते केरला वायनाड से? अरे तुम हिंदू मुस्लिम करते हो, मैं नहीं करता हूं। वायनाड से तुम इसलिए जीते क्योंकि वहां पर 40% से ज्यादा अकलियतों के वोट थे, वरना तुम वहां पर भी डूब जाते, वहां पर मजलिस नहीं गई। तुम बच गए मगर भिवंडी में अब इंशाअल्लाह ताला मेरी आपसे अपील है कि खालिद को कामयाब करेंगे नहीं करेंगे, खालिद को डालेंगे नहीं डालेंगे, और दूसरी कांस्टिट्यूंसी से रईस को भी रईस बना के भिजाएंगे नहीं भिजाएंगे, दोनों को भिजाओ, महाराष्ट्र की विधानसभा में भिजाओ। ये शेरों की तरह बेबाक तरीके से गरीब मजलूम आवाम की आवाज बनकर भिवंडी की तरक्की के लिए करेंगे काम करेंगे। अरे भिवंडी क्या नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई जंग हुई थी क्या? एक टैंक आया, आर्मी है, क्या खंडर बना के रख दिया, बल दिया तुम्हारे पास,
और तुम शिवसेना से निकाह करके भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मियां बीवी की तरह कांग्रेस और शिवसेना रिश्ते अजदवाज में रहते हो। अब मुझसे मत पूछो कि इसमें किसकी कौन जोरू है, मैं नहीं जानता कौन किसकी बीवी है। समझाने के लिए कह रहा हूं कि जब तुम मुझ पर इल्जाम लगाते तो तुमको शर्म नहीं आई कि तुमने बल्दिया में शिवसेना से इतिहाद किया? कहां गया उतने पैसे, कहां गया डेवलपमेंट, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मुल्क में सेकुलरिज्म का अगर कोई नाम लेता है तो मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि हमारे वतनी अजीज का सेकुलरिज्म अब एक बिस्तर मर्ग पर है, अस्पताल के वेंटिलेटर पर है। और जब बात अस्पताल की आई तो आपके पास भी कोई अस्पताल नहीं। क्या किए पूछो, ये कांग्रेस से, ये शिवसेना से, बीजेपी के लोगों से सेकुलरिज्म कहाँ है मुझे बताओ। जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सिर्फ 23 मुस्लिम अकलियत जीत कराते हैं, 17.5 करोड़ की मुस्लिम अकलियत की आबादी, हमारी डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, शराकतदारी की जमहूरियत है। अरे जब शराकतदारी की जमहूरियत में हमको हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है तो फिर कहां है सेकुलरिज्म? हम क्या सिर्फ वोट डालने की मशीन है? आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कहां गया सेकुलरिज्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले, उसकी हिमायत में तायीद करने वाले? अरे अमित शाह ये कहता है बहसियत वजीर दाखला हिंदुस्तान के संविधान पर ओत लेकर हल्फ लेकर अमित शाह ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की शहरियत सबको मिलेगी, उनको मिलेगी जो मुसलमान नहीं है। क्या ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? क्या ये आर्टिकल 15 के खिलाफ नहीं है? अरे कौन आवाज उठा रहा है? क्या कांग्रेस आवाज उठा रही है? बताओ, एक ही पार्टी है जो दीवानों की पार्टी बनने से इत्तेहाद मुस्लिमीन है। मेरे भाई ये कांग्रेसियों को बताओ, तुम मेरी आवाज तुम सुन रहे हैं तो सुनो, तुम इतने झूठे और मक्कार हो कि जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी ने टेररिज्म को और के खिलाफ टेररिज्म के लिए एक नया कानून लेकर तरमीम लाई और गंदा तरमीम लाई, अब दिल्ली में बैठकर कोई भी एक लिस्ट निकाल सकता है और लिस्ट में ये कह सकता है कि फुला सैयद बकर का नाम और ये पूरे के पूरे टेररिस्ट है, लिस्ट निकाल देंगे। दिल्ली में बैठ कर एक इंस्पेक्टर ऑर्डर पास करेगा कि भिवंडी की जायदाद हम इसको कंफिस्केट करते हैं क्योंकि इस जायदाद से टेररिज्म के कोशिश में इस्तेमाल हुआ। जब यह कानून लेकर लाया गया कौन उसकी मुखालिफत किया, कौन उस पर तरमीमात दिए, डिवीजन का मुतालबा किया।